Hello, doctors. तुझे एक जिंदगी मिली है, घुट घुट के तूने जी ली है, भिड़ना होगा अब उनसे जिसने उड़ाई खिली है। यही तेरा मकसद है, तुझे अब ना फुर्सत है, गिरा है तो उठना होगा, खोया है जो लुटना होगा, आवाज को चीख बना के खुद से कहना होगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं मरना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अब नहीं डरना है, मुझे कुछ करना है। पिघला दे जाना बाहर जाना पर सच्चा है।
कदमों से रेशम खींच ले, पीछे कुछ ना देखा है सा, इस पल की क्यारी सींच दे, आज जुबान पे रख दे, फिर छोट के होठ भिगाएंगे, हम सुनाएंगे, फिर हर गीत बन जाएंगे। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को खींच गए को आप कैसे हैंडल करते हो, वो सिर्फ आपके हाथ में, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है बॉस, जो अभी कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो कोई बड़ी सक्सेस जरूर आती है। कोई एक पर्सन चाहिए होता है, कोई एक कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है ना, जो आकर के बोले कि हाँ यार तू कर सकता है, बस इतना ही बोलते बहुत होता है। आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1,00,000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। फोकस कहां डालना है, मांगने में नहीं, अपने आप को बदलने में, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलने। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं। सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है।
जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। व्हाई डोंट वी टेक द राइट एक्शन? इफ यू कांट टेक द राइट एक्शन, हाउ कैन योर लाइफ गो इन द राइट डायरेक्शन? उल्टा काम अगर आपने अपनी पूरी एनर्जी के साथ कर दिया, पूरी मतलब पूरी अपना सब कुछ लगा दिया, तो वो कल तक तो उल्टा फास्ट पूरी दुनिया के लिए, लेकिन आने वाले कल में वो पूरी दुनिया के लिए सीधा हो जाएगा। पहला स्टेप है, आपको ये बोलना होगा अपने माइंड में, बात तो सही है। अब जब सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है, तो सही को मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है। गलत है मेरी आदतें, सही है एक सोच, तो सोच को आदतों में बदलना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है, आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे और दुखी हो रहे हो, ये गलती है। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना ही तो बड़ा ही सोचते हैं ना। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहो कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में है, कैद क्या होता है? ना कोई एक्सपीरियंस अच्छा है लाइफ में, ना बुरा है। अगर आप उससे सीख रहे हो तो, नहीं सीख रहे हो तो अच्छा भी बुरा है, सीख रहे हो तो बुरा भी अच्छा है। ट्रूथ इज अ वेरी वेरी बिग पावर एज फार एज क्लैरिटी इन लाइफ इज कंसर्न्ड। जो भी मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई कह रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं कुछ हो रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अभी मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये समझना कि प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। दो तरह की प्रॉब्लम है, एक जिसका सोल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना। आप किसी से ना कम हो ना ज्यादा हो, कुछ चीजों में आप किसी से कम हो, कुछ चीजों में ज्यादा हो, जैसे ही आपका ध्यान जाएगा जिस चीजों में आप कम हो उसकी तरफ तो आप परेशान होगे, और अगर आपका ध्यान जाएगा जहां पर आप ज्यादा हो उसकी तरफ तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। तो दोनों को छोड़ो, यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपकी कैपेबिलिटी ये है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया? अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया। जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा कि क्या ये सच है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जो अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ वही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसकी नजर सही है उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने में, उसके लिए एक ही काफी। स्टैंड ले लो अपनी लाइफ में, जितनी जल्दी ले सकते हो उतनी जल्दी ले लो कि भाई तुम्हारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके पेरेंट्स, आपकी खुशी की और आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप, मेरी नहीं। हाँ, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गूगल नहीं निकाल सकता उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकाल सकते, उसको कहेंगे इंटरनेट। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। यू नॉट अ टाइनी लिटिल पार्ट इन लाइफ, यू आर लाइफ। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करना। आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम, देन यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर बाय सेइंग आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती यार, हम खुद नामुमकिन बना लेते हैं। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम खुद।
पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है ये हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे। अबे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुझे जितना बीता सह लिया अब और नहीं है सहना। तू गदर मचा, इस कदर मचा, दुनिया में तेरा डंका हो, तू छू के दिखा मंजिल को अपनी, किसी के मन में न शंका हो। तेरी चर्चा हो तेरे नाम से, तेरी हवा बने तेरे काम से, यहाँ सब मिलता है जहमत से, ना मिलता ये आराम से। तेरी चर्चा हो तेरे नाम से, तेरी हवा बने तेरे